नमस्कार, सुस्वागतम आपके चिर परिचित कार्यक्रम में जिसका नाम है वंस मोर। मित्रों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पंक्ति के साथ, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। कहने का मतलब ये कि जो जिस प्रकार की संगत करता है उसका जीवन उसी प्रकार का बनता है। एक बार कुछ शिष्यों ने अपने गुरुजी से कहा कि भाई संगत का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, थोड़ा ऐसे समझाइए कि बात हमें आसानी से समझ में आए। गुरुजी ने बहुत देर तक शिष्यों को बताया कि भाई अगर आप अच्छे लोगों की, सकारात्मक सोच वाले लोगों की संगत में रहेंगे तो आपकी सोच भी सकारात्मक होगी और जीवन को आप नई ऊर्जा के साथ, नए उल्लास और उमंग के साथ जी पाएंगे। और अगर आप नकारात्मक लोगों की संगत में रहेंगे, जो मिलने पर कहें, आप उनसे पूछें भाई कैसे हैं आप, ध्यान दीजिए, बहुत से लोग कहते हैं कि बस जो दिन कट जाए वो अच्छा है। तो ऐसे लोगों की संगत से हमें बचना चाहिए। ये बात बताने के लिए गुरु जी अपने शिष्यों को लेकर फुलवारी में गए और कहा कि भाई मिट्टी उठाओ और इससे सूंघो, देखो क्या कोई खुशबू आती है। बच्चों ने मिट्टी उठाई, उसको सूंघा, उससे कोई खुशबू नहीं आ रही थी। गुरु जी उन बच्चों को लेकर गुलाब की क्यारी के पास गए और कहा कि गुलाब की क्यारी से मिट्टी उठाओ और सूंघो, क्या इसमें से कुछ खुशबू आती है। सारे बच्चों ने कहा जी इसमें भीनी भीनी गुलाब की खुशबू आ रही है। बोले बस ये मिट्टी गुलाब की संगत में रहती है लिहाजा महक रही है। तो ऐसी ही जिंदगी हम सब की होनी चाहिए कि हम भी ऐसी संगत में रहें कि हमारी जिंदगी उसी प्रकार से महकने लगे। तो कुछ इस विचार के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और आवाज़ देते हैं उन कवियों को जो इस समय हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले आवाज़ दीजिए राहुल द्विवेदी स्मित को। और अब आपके सामने आ रहे हैं त्रिवेणी प्रसाद दुबे। और अब समय है आज की कवयित्री को बुलाने का। तो हमारे आज के कार्यक्रम में पधारी हैं उन्नाव से खास तौर पर आपके लिए प्रियंका शुक्ला। भाई उत्तर प्रदेश के तमाम कवि पूरे देश में बिखरे हुए हैं, तो हम इस प्रयास में रहते हैं कि जब भी कोई कवि लखनऊ पधारे तो हम वंस मोर की रिकॉर्डिंग में उसको बुला सकें। इसी प्रकार के कवि हैं, जाने पहचाने कवि जिनको मैं अब आवाज़ दूंगा, ये रहने वाले सहारनपुर के हैं लेकिन आजकल मुंबई में प्रवास कर रहे हैं, लंबे समय से मुंबई में रह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मुकेश गौतम की। और अब समय है वरिष्ठ गीतकार को बुलाने का, आज के पांचवें कवि को बुलाने का। बहुत आदर के साथ आवाज दे रहा हूं आदरणीय श्री शिव भजन कमलेश जी को। सभी कवि यहां पर पधार चुके हैं, वंस मोर को शुरू होने का इशारा हमें हमारे फ्लोर मैनेजर कर चुके हैं। तो अब समय है जब हम अपने पहले कवि को यहां पर बुलाएं। हमारे जो पहले कवि हैं इनके बारे में आपको बताऊं कि ये अध्यापक हैं, एक विद्यालय के प्राचार्य हैं, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और लोक सचेतक नाम का एक साप्ताहिक, एक पत्रिका है और दैनिक भी है, उसके प्रबंध संपादक हैं। बहुत यंग हैं और जिस विद्यालय का प्रिंसिपल इतना यंग और खूबसूरत होगा, इतना डायनेमिक स्मार्ट होगा, निश्चित रूप से वहां के बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तो मैं आवाज दे रहा हूं राहुल द्विवेदी स्मित को। कि तिनका तिनका बिखर रहा है यह प्यारा संसार, तिनका तिनका बिखर रहा है यह प्यारा संसार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार, और मर्यादा के खेत सूख कर बंजर हुए पड़े हैं। हाँ, क्या बात? मर्यादा के खेत सूख कर बंजर हुए पड़े हैं, प्रेम समर्पण जैसे साथी बेघर हुए खड़े हैं। मर्यादा के खेत सूख कर बंजर हुए पड़े हैं, प्रेम समर्पण जैसे साथी बेघर हुए खड़े हैं, और बिखरा बिखरा है यह करुणा का यह कोमल आकार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार। और
अम्मा बाबूजी के सपने अब ठोकर खाते हैं। क्या बात, अम्मा बाबूजी के सपने ठोकर खाते हैं और चार कदम चलते ही बच्चे दूर चले जाते हैं। अम्मा बाबूजी के सपने अब ठोकर खाते हैं और चार कदम चलते ही बच्चे दूर चले जाते हैं। भूल चुके हैं बच्चे अम्मा बाबू के उपकार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार। और कभी प्यार के मोती लेकर हम चलने लगते हैं, कभी प्यार के मोती लेकर हम चलने लगते हैं और कभी न्याय की खातिर मिटने तक से हम डरते हैं। कभी प्यार के मोती लेकर हम चलने लगते हैं, कभी न्याय की खातिर मिटने तक से हम डरते हैं और केवल शब्दों तक सीमित है अब गीता का सार, जाने किसने बना दिया है। क्या बात, बहुत बढ़िया, को व्यापार, जाने किसने बना दिया है। और मानव के हृदयों में करुणा रह रहकर उठती है, मानव के हृदयों में करुणा रह रहकर उठती है, पलकों के साए में अब भी एक नदी पलती है। मानव के हृदयों में करुणा रह रहकर उठती है और पलकों के साए में अब भी एक नदी पलती है, मगर नहीं मिलती रिश्तों की यह पावन पतवार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार। और अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि चलो शांत की फुलवारी को हरा भरा करते हैं, चलो शांत की फुलवारी को हरा भरा करते हैं, प्यार समर्पण सच्चाई की खाद जरा भरते हैं और अनुशासन की अमराई को करते हैं स्वीकार, रिश्तों को फिर से देते हैं रिश्तों का आकार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को। बहुत बढ़िया राहुल, दिन का दिन का बिखर रहा है यह प्यारा संसार, जाने किसने बना दिया है रिश्तों को व्यापार। कि अत्याचारी कुटिलों को मैं आंख दिखाता हूँ, अत्याचारी कुटिलों को मैं आंख दिखाता हूँ, दुख यारी आंखों के काजल को बहलाता हूँ, मैं कवि होकर केवल कवि का फर्ज निभाता हूँ, मैं कवि होकर केवल कवि का फर्ज निभाता हूँ। और जब जीवन की राह कटीली चुभने लगती है, जब जीवन की राह कटीली चुभने लगती है, स्वाभिमान की चोट सफर में दुखने लगती है, तब नीरस पथ पर आशा के दीप जलाता हूँ, मैं होकर केवल अपना फर्ज निभाता हूँ। और जब पल भर का साथ कई जन्मों का लगता है, जब पल भर का साथ कई जन्मों का लगता है, जब पलकों में किसी और का सपना पलता है, तब धड़कन के गीत सहज कविता में गाता हूँ, मैं कभी होकर केवल कवि का फर्ज निभाता हूँ। और जब पौधे बरगद को तनकर आंख दिखाते हैं, जब पौधे बरगद को तनकर आंख दिखाते हैं, जब पंखों को पाकर पंछी भी उड़ जाते हैं, तब बूढ़े तन पर कोमलता से सहलाता हूँ, मैं कभी होकर केवल कवि का फर्ज निभाता हूँ। और जब सरहद पर सैनिक अपना खून बहाता है, जब सरहद पर सैनिक अपना खून बहाता है, जब जीवन आधे रास्ते में ही थक जाता है, तब उस गौरवशाली पथ पर शीश नवाता हूँ, बहुत बढ़िया। राजनीति जब लोकतंत्र पर चुटकी ले हावी होती है, राजनीति जब लोकतंत्र पर हावी होती है, भ्रष्ट और कुत्सित लोगों को संसद ढोती है, तब बनकर कौटिल्य धर्म का पाठ पढ़ाता हूँ, तब बनकर कौटिल्य धर्म का पाठ पढ़ाता हूँ, मैं कभी होकर केवल कवि का फर्ज निभाता हूँ, मैं कभी होकर। और भूख गरीबी लाचारी जब सिसकी लेती है, भूख गरीबी लाचारी जब सिसकी लेती है, जब दौलत सूनी आंखों पर चुटकी लेती है, तब कुदरत की इस अनदेखी से लड़ जाता हूँ, मैं कभी होकर केवल कवि। सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संविधान की गरिमा चौसर जब हो जाती है, संविधान की गरिमा चौसर जब हो जाती है, न्याय द्रौपदी स्वयं युधिष्ठिर से घबराती है, संविधान की गरिमा चौसर जब हो जाती है, न्याय द्रौपदी स्वयं युधिष्ठिर से घबराती है, तब हाथों में कृष्ण सरीखे चक्र उठाता हूँ, मैं कभी होकर केवल कवि का फर्ज। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत, मैं कभी होकर, बहुत बढ़िया। और जब अर्जुन कर्तव्य मार्ग से विचलित होता है, जब अर्जुन कर्तव्य मार्ग से विचलित होता है, धर्म युद्ध में धर्म मोह के पथ में खोता है, जब अर्जुन कर्तव्य मार्ग से विचलित होता है, धर्म युद्ध में धर्म मोह के पथ से खोता है, तब मैं व्यास रूप में गीता सार सुनाता हूँ, अच्छा, मैं कभी होकर केवल कवि का फर्ज निभाता हूँ। और अंतिम पंक्तियां कि जब ज्ञानी मद में अभिमानी रावण बन जाए, जब ज्ञानी मद में अभिमानी रावण बन जाए, सुचिता का अनुगामी जित पर जब भी अड़ जाए,
जब ज्ञानी मद में अभिमानी रावण बन जाए, सुचिता का अनुगामी जित पर जब भी अड़ जाए, तब दुनिया को रामायण की सीख सिखाता हूँ, तब दुनिया को रामायण की सीख सिखाता हूँ। मैं कवि होकर केवल कवि का फर्ज निभाता हूँ, अत्याचारी कुटलों को मैं आंख दिखाता हूँ, दुखियारी आंखों के काजल को बहलाता हूँ। मैं कवि होकर केवल कवि का फर्ज निभाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।